लेट्स डिस्कस एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। याद रखना ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। याद रखना, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनपी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल इन केस ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब अगर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो इट फॉलोज NH2 NP3। याद रखना, सो जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज, वो होता है NH2 NP3। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा NS ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड वेर एज NP ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अब एक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है वैलेंस शेल में का, दूसरा हाफ फिल्ड है, जिसके वजह से इस इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। याद रखना एज NS ऑर्बिटल इज फुल्ली फील्ड एंड NP ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड सो दे हैव क्वाइट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। अब बात करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई की। सो सेकंड प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। देखिए रेडियस सिंगुलर, रेडाई बोले तो प्लूरल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एटॉमिक रेडियस क्या चीज है। न्यूक्लियस का सेंटर और वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस बनता है उसे एटॉमिक रेडियस कहना चाहिए। अब सबसे पहली बात ये याद रखो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ते जाएंगे। याद रखना, सो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो उनकी संख्या बढ़ते जाएगी। अब दूसरी बात, हम जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं यानी नाइट्रोजन से लेकर बिस्मत तक के, हमें महसूस होता है कि एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। याद रखना, सो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मत। इसका मतलब यह होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा होगा, बिस्मत का बड़ा होगा। अब इसमें एक कंसिडरेबल बात हमें समझना होगा, नाइट्रोजन से फॉस्फरस तक के जो इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस है वो रिमार्केबल है। याद रखना, सो
increase in covalent radius from what nitrogen to phosphorus is remarkable. लेकिन बाद में क्या होता है, आर्सेनिक से लेके बिस्मत तक के इंक्रीज जो है स्मॉलर होता है. सो फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मत इंक्रीज इन रेडाइन इज स्मॉलर. अब इसके पीछे का कारण यह है कि फुल्ली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल का होना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. सो इसके पीछे का कारण ड्यू टू फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स, उसके बाद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट. अब इन कारणवश ये चीजें हमें देखने को मिलती है. अब इसके बाद अगला पड़ाव होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. यानी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहना चाहिए. अब सबसे पहली बात ये याद रखो कि ग्रुप 15 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के वजह से उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ग्रुप 14 एलिमेंट के मुकाबले ज्यादा होते हैं, याद रखना. सो ड्यू टू व्हाट स्टेबल, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ग्रुप 14 एलिमेंट्स के मुकाबले ग्रुप 15 एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा 15 का ज्यादा है 14 के मुकाबले. अब दूसरी बात, जैसे जैसे शेल्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस के दूर जाएगा वैलेंस शेल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगा. इसका सीधा मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है नाइट्रोजन का और सबसे कम होता है बिस्मत का, याद रखना. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मत. यानी हम बोल सकते हैं दस नाइट्रोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन द ग्रुप. यानी ग्रुप का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटेन करने वाला अगर कोई एलिमेंट हो तो वो नाइट्रोजन होता है, याद रखना. अब देखिए, पहला लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करते हो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हमारे पास मोनो पॉजिटिव आयन आ गया. उस मोनो पॉजिटिव आयन से फिर से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा.
और जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मुकाबले सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा और सेकेंड से थर्ड ज्यादा होना चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इज, अब इसमें हम बोलेंगे सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के मुकाबले आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड ज्यादा होगा और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मुकाबले थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो इट इज डैम एक्सपेक्टेड। अब इसके बाद अगला पड़ाव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऐसा है, जितना एटम छोटा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन की और सबसे कम बिस्मथ की। सो वन कैन से दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज गो ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, और सबसे कम बिस्मथ की होगी। तो इट वॉज ऑल अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स।